ये कहानी एक कपल यूपीएससी एस्पिरेंट सूरज और वर्षा की है, जो कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। वैसे तो इनकी शादी प्रेम के वशीभूत हुई थी, पर अब तो आए दिन ही उनके कमरे से नोक झोंक की आवाजें आती ही रहती हैं। वैसे अब क्या पूरी कहानी मेरे ही मुंह से सुनोगे? आओ इस कहानी को लास्ट तक देखकर इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। सूरज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना सामान इधर उधर ना फेंका करो। हम तुम्हारा सामान सही किया करें या अपनी पढ़ाई करें? हाँ, तुम्हीं को तो खाली कलेक्टर बनना है। हम तो यहाँ गाँव से शहर चपरासी बनने के लिए आए हैं। देखो सूरज, ये तुम्हारा रोज का हो गया है। वर्षा, वंदे मातरम कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? वंदे मातरम सन 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। हाँ, सही जा रही हो, लेकिन ये तो बताओ किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? यार, कुछ सयानी करके नाम था, पूरा नाम नहीं याद है। रहीमतुल्ला सयानी, पूरा नाम याद किया करो। ये वनडे एग्जाम नहीं, यूपीएससी है। मतलब मैं तो डीएम बन के निकल जाऊंगा, तुम ही बर्तन धुलती रहना। तुम ज्यादा बनो मत, बंदरगाह वाला टॉपिक तैयार करो, अभी हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, तो तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहती हो मुझको? वैसे जब तक तुम अपना काम निपटाओगी ना, तब तक मेरा ये वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैगी नहीं है जो तुम 5 मिनट में तैयार कर लोगे। सूरज, ये बर्तन लेके जाओ यहां से। वर्षा, तुम बहुत काम बताती हो यार। अच्छा, शादी के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, बाबू ये करवा लेंगे, बाबू वो करवा लेंगे, और अब यार क्या सुबह सुबह तुम एक ही टॉपिक लेके शुरू हो जाती हो रोज। सूरज, सब्जी नहीं है कुछ, रात के खाने में क्या बनेगा? खिचड़ी विचड़ी कुछ बना लो। यार वर्षा, किराया देने के बाद केवल 500 रुपये बचे हैं, और उसमें भी पूरे महीने का खर्च चलाना होता है। यार दाल भी तो महंगी है, टमाटर ले आते तो आलू टमाटर की सब्जी ही बना लेते। भैया, करेला कैसे दे रहे हो? 30 रुपये किलो। टमाटर? 60 रुपये किलो। परवल कैसे दे रहे हो? 20 रुपये पाओ। 30 रुपये के परवल तो एक ही दिन चलेंगे, केवल टमाटर ही ले लें? भैया सब्जी बहुत महंगी आ रही है आजकल। एक काम करो, आधा किलो टमाटर और 250 ग्राम परवल पैक कर दो।
छोड़ो यार, फिजूल खर्च है, बाद में आते हैं किसी दिन। वर्षा, सब्जी लो यार, गर्मी बहुत लग रही है। परवल क्यों ले आए हो, इतने महंगे हैं तो? यार उस सब्जी वाला बेइज्जती कर रहा था। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ वर्षा कि एक ट्यूशन और पकड़ ले तो कैसा रहेगा? तो पढ़ोगे कब? अरे जिस वक्त रात को तुम खाना बनाती हो उस वक्त पढ़ा के आ जाएंगे। ठीक है फिर, जैसा तुमको सही लगे। सूरज, बंदरगाह से कोई क्वेश्चन पूछूं? पूछो। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? थोड़ा भारी क्वेश्चन लेके आओ। जो पूछे हैं वो बताओ। मुंबई, मार्मागोवा, कोची, विशाखापट्टनम। और मतलब? थोड़ा ठीक से पढ़ा करो, यूपीएससी है ये, वनडे एग्जाम नहीं है। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं। पारादीप। अबे हाँ यार, साला ये दिमाग से कैसे उतर गया। परवल की सब्जी अच्छी बनी है। हम क्यों जाएं? भगवान तुमको भी पैर दिए हैं। तो उस हिसाब से तो पैर आपको भी दिए हैं। प्यास हमको लगी कि तुमको? वर्षा मैं पढ़ रहा हूँ, ले आओ प्लीज। हम तो सो रहे हैं। वर्षा, ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। और रात में छत पे कपड़े पड़े हुए थे, तुमने उठाए नहीं अभी तक? आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किस सन में हुआ था? प्रथम विधि आयोग चार्टर एक्ट 1833 के तहत सन 1834 में हुआ था। और अध्यक्ष? मैकाले, लॉर्ड मैकाले। मैं अंग्रेजों को इतनी इज्जत नहीं देता। नेट नहीं चल रहा है क्या सूरज? नहीं, वेबसाइट शायद वर्क नहीं कर रही है, नेट तो चल रहा है, शायद सर्वर डाउन लग रहा है मेरे को। तो कैसे पता चलेगा रिजल्ट?
देखते हैं, शायद कल तक सही ही हो जाए, और नहीं होगा तो फिर कल साइबर कैफे में जाके देख लेंगे। अब जो कुछ भी होगा वो कल ही पता चलेगा। तुम्हारा कंप्लीट हो गया जो कुछ? हाँ, रिवाइज हो गया। चलो सोते हैं। तुम्हारा तो लास्ट अटेम्प्ट है, क्या लगता है तुम्हें? लगता क्या है यार, वैसा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ रिजल्ट का सूरज? यार वर्षा, मेरा मेंस निकल गया, लेकिन तुम्हारा नहीं निकला। क्या? दो बार से मेंस क्लियर हो रहा था, इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे थे, इस बार मेंस में ही लटक गए। तुम टेंशन मत लो यार, तुमने लास्ट टाइम का प्री दिया था ना, उसके मेंस पे फोकस करो, इस बार निकल जाएगा। सुनो सूरज, तुम भी इस बार इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो यार, कम से कम तुम्हारा ही क्लियर हो जाएगा। इतने पैसे नहीं है वर्षा, अभी फोन से ही देख के इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। यार सूरज, तीन बार से फोन से ही प्रैक्टिस करके इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं कुछ हुआ क्या? वर्षा समझने की कोशिश करो यार, पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूंगा? अपने किसी दोस्त से ही उधार ले लो, फिर वापस कर दिया जाएगा। ऐसे हालात में कोई साथ नहीं देता। तुम टेंशन मत लो, अपने मेंस पे फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे थे इस बार हो जाता तो। सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है वर्षा, और फिर सपना साकार होने की संभावना ही तो जीवन को रंगीन बनाती है। वर्षा, यार करण तो जॉब कर रहा है, उससे बात करके देखूं क्या, शायद कोई हेल्प मिल जाए। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया है यार। और बताओ तुम्हारे यूपीएससी के क्या हाल चाल हैं? प्रीमेंस तो हर बार निकल रहा है यार, हर बार इंटरव्यू में ही लटक रहा हूँ। अब क्या किया जा सकता है, कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो, शायद निकल ही जाए। भाई इसीलिए फ़ोन किया था तुमको, अगर पैसे का कुछ जुगाड़ हो जाता तो कोचिंग कर लेता, बाकी कुछ दिनों में मैं तुम्हें पूरा पैसा लौटा दूंगा। अबे यार पैसे की बात ना करो, इसमें बहुत तंगी चल रही है। भाई अभी मेंता का तेल बिकेगा तो तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा। लेकिन यार हो नहीं पाएगा यार इंतजाम। चल ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ रिजल्ट का सूरज? फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ यार, सारे अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए।
बुरा वक्त है, जाने दो सूरज। क्या हुआ, नाम मिला सूरज? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं वर्षा, सिलेक्शन नहीं हुआ। मत वर्षा, वरना मैं टूट जाऊंगा। हम लोग सोने से उठकर एक बार फिर शून्य पर आ गए हैं सूरज। नहीं वर्षा, अब हम शून्य पर नहीं हैं। जो जीत के दरवाजे तक पहुंचकर हारता है, उसकी जिंदगी में समाज के सामने एक हार की मोहर तो जरूर लगती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि अनुभव का उसके पास एक अपार भंडार होता है। अब क्या होगा सूरज? अब हम इंटर के बच्चों को ट्यूशन नहीं देंगे। यूपीएससी में प्री मेंस के लिए लड़ रहे बच्चों को पढ़ाएंगे। प्री मेंस से क्या होता है सूरज? हम लोग भी तो दो दो तीन तीन बार प्री मेंस क्लियर करके घर ही आ गए ना। लेकिन कम से कम हम उन्हें प्री मेंस की कोचिंग देके उनका प्री मेंस तो निकलवा सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू कोचिंग हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। खैर ये सब छोड़ो, अब सब कुछ भुलाकर हमें एक नई दिशा में कदम आगे बढ़ाना होगा। सफलता मिलने पर तो सभी साथ देते हैं, अगर जीवन शून्य पर हो तो हम सफर के सिवाय कोई साथ नहीं। खुद से बुना हुआ सपना अगर कभी पूरा ना भी हो तो खुदा पर भरोसा, इससे भी खूबसूरत रास्ता है। जितना लिखा है खुद को परिश्रम की आग में जलाने को जलाते रहो, तुम्हारा संघर्ष ही जीवन को आकर्षित करेगा। आई होप गाइस ये शॉर्ट फिल्म आपको पसंद आई होगी, और इस शॉर्ट फिल्म को बनाने का मकसद किसी भी तरीके से आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपीएससी में तकरीबन हर साल 9 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें कि सीटें सिर्फ होती हैं 900 से 1000। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी को अपनी ज़िंदगी मानकर उसका लास्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ ना देने के कारण या आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी होने के कारण हम उन 900 सीट में से किसी एक सीट के हकदार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे समाज और फैमिली के प्रेशर में आकर कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं जो कि सरासर गलत है। देखिए परिस्थिति कैसी भी आ जाए, खुद को बिखेरिए मत, खुद से कभी मत हारिए। हमारी राइटर ने लिखी हुई है कि जिंदगी अभी भी तैयार है आपके साथ एक नई दिशा में, नई ऊर्जा के साथ